नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं एमसीएम कैपिटल 113 सेक्टर 113 मेन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। आज मुझे अपने व्यूवर्स को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि एमसीएम कैपिटल 113 में नए दो टावर लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमसीएम कैपिटल 113 में इन्वेंट्री मिलना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू बिक रहा है और इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड होने की वजह से इसमें इन्वेंट्रीज की काफी फाइट आ रही थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एमसीएम कैपिटल 113 के नए दो टावर को भी लॉन्च कर दिया है और पुराने टावर के साथ नए टावर मिला के अभी सेल 11 टावर्स के लिए ओपन है। और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पैच की, तो एमसीएम की टोटल जो लैंड पैच सेक्टर 113 में है वो 65 एकड़ है और इसमें आपको जो रेजिडेंशियल का पैच मिलता है वो लगभग 45 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी 15 एकड़ लॉन्च किया गया है और इसमें कुल 13 टावर है और इसकी जो हाइट रहेगी G+35 है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी यूनिट नहीं होगी और ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी एक ग्रैंड एंट्रेंस फील देगा। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे जब हम द्वारका एक्सप्रेस वे रूट से दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं तो एमसीएम कैपिटल 113 गुड़गांव का सबसे पहला प्रोजेक्ट बनता है और ये इतना नजदीक है कि मानो अगर हम आकाश में कंकड़ उछालेंगे तो वो भी जाके एमसीएम कैपिटल 113 से दिल्ली में गिरेगा। यानी कि बहुत ही नजदीक का प्रोजेक्ट है और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे होने की वजह से यहाँ पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आने का भी अनुमान है। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको हर चीज डोरस्टेप मिल जाती है, जैसे एमसीएम कैपिटल 113 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ इसके फ्रंट पे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ रहा है जो कि एक रिटेल हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट रहेगी और इसका फ्रंटेज लगभग 1.5 किलोमीटर का रहेगा और साथ में ही इस प्रोजेक्ट के साथ लगभग 10 एकड़ के प्रोजेक्ट जो एमसीएम मार्केट 113 के नाम से, जैसा कि आप जानते हैं एससीओ मार्केट है और उसका एक होलसेल मार्केट होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से आपको होलसेल और रिटेल मार्केट अपने घर पे डोरस्टेप ही मिल जाएगी और लोकेशन एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप दिल्ली से मूव इन कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपके कुछ गरीब रिश्तेदार आपसे दूर हो जाए या आप तक पहुंच ना पाए या आपको कभी दिल्ली जाना हो तो आपको ऐसा ना लगे कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इस हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है क्योंकि डोरस्टेप मेट्रो स्टेशन आने की वजह से आपके गरीब से गरीब रिश्तेदार भी आप तक वाया मेट्रो आ सकेंगे, भले ही उनके पास टू व्हीलर भी ना हो। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो कि मैं आपको इस मैप में दिखा पा रहा हूं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव गोल्फ कोर्स के साथ ही ये एंटर करते ही हमें सबसे पहला जो सेक्टर मिलता है ये सेक्टर 113 है और इसलिए यहाँ पे आपको दिल्ली के कनेक्टिविटी मिलती है और गुड़गांव में भी आप हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए लेकिन वो गुड़गांव की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है। सबसे अच्छी चीज इसमें मुझे और एक लगी कि इस लोकेशन पे आपको दिल्ली में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नजदीक है और गुड़गांव के भी, क्योंकि अगर आपका बच्चा दिल्ली में द्वारका में कहीं पढ़ता है और आप यहां फ्लैट लेते हैं तो भी कनेक्टिविटी सीधी रहेगी, आप सीधा अपने बच्चे को बिना स्कूल से डिस्टर्ब किए
यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं या गुड़गांव के हॉस्पिटल हैं, वो दोनों भी इसके नजदीक हैं। और इतने स्कूल हैं कि एक स्टेप में या एक वीडियो में मैं अलग अलग नाम नहीं बताऊंगा। और इसके साथ ही ये बात करेंगे इसके कमर्शियल बेल्ट की, तो ये रेजिडेंशियल पॉइंट होने के साथ इसमें ये कमर्शियल बेल्ट भी है, जिसकी वजह से आपको अगर ऑफिस पे जाना होगा तो ऑफिस भी आपका यहाँ पे हो सकता है कि डोर स्टेप हो और रेजिडेंस भी आपके नजदीक हो। ये है MCM कैपिटल 113 सोसाइटी का लेआउट प्लान। हालांकि इस प्रोजेक्ट में लगभग 45 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट आना है, जिसमें अभी लगभग 15 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि कुल अभी इसमें 13 टावर हैं और इसका लोकेशन मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है। साथ में ही ये जो फ्यूचर एक्सटेंशन का जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे MCM का कमर्शियल हाई स्ट्रीट रिटेल आएगा। और इसके साथ ये SCO MCM मार्केट 113 डिलीवर्ड है, इसका बहुत जल्दी पोजीशन होने वाला है। इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि पहले ये 3 और ये 2-5 टावर ओपन किए गए थे, जिनमें आप आउटर फेसिंग 1310 स्क्वायर फीट 2 BHK प्लस स्टडी या इनर फेसिंग 1665 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस स्टडी आप ले सकते थे। और इसके साथ ही जो उसके बाद टावर लॉन्च किए गए, उसमें 1695 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस स्टडी का साइज है। इसके अलावा 2 नए और टावर लॉन्च किए गए थे, उनमें इनर फेसिंग 2298 स्क्वायर फीट का साइज और आउटर फेसिंग 2060 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस स्टडी का साइज है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ये अगले 2 टावर को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि क्लब फेसिंग आएंगे। इनमें आप इनर फेसिंग 2298 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट आप बुक करवा सकते हैं। और इनर फेसिंग के साथ ये क्लब फेसिंग भी बनेगा, क्योंकि क्लब हाउस इसके अप फ्रंट है। और आउटर फेसिंग इनमें आप 2060 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस स्टडी आप अपनी सुविधा और बजट के मुताबिक इसमें बुक करवा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने साथ पड़ोस शेयर करता है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। और इसके अलावा MCM की जो पूरी टाउनशिप है वो सेक्टर 113 और 111 में भी आ सकती है अगले कुछ समय में, जो कि एक पूरी टाउनशिप बन जाती है। और ये एक कुछ स्मार्ट सिटी टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसके साथ आसपास कोई भी नया हाईराइज आने का अनुमान नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि टाउनशिप में प्रॉपर्टी लेने से कि आसपास आपका पड़ोस जो होगा वो भी M3M की टाउनशिप का ही पार्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा दूर दूर तक लगभग 250 एकड़ का लैंड बैंक MCM का यहाँ है और कोई नया प्रोजेक्ट आने की उम्मीद नहीं है। इसमें आपकी सुविधा के लिए सबवेंशन 1090 प्लान, अगर फादर ऑफ द ऑल प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, 30-30-40 का पेमेंट प्लान या 50-50, जैसा आपको सुटेबल हो आप अपने मुताबिक कोई भी अच्छा पेमेंट प्लान चुन के इसमें बुकिंग कर सकते हैं। डील बेचना तो इस बाजार में हर कोई जानता है, लेकिन डील निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कहीं से भी डील ले लेंगे, किसी भी रेट पे डील ले लेंगे, लेकिन जो वफादारी एक सेल्समैन
अपने बिल्डर के साथ निभाता है, क्या वही वफादारी आपको डील बेचने के बाद क्या वो सेल्समैन निभाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि डील खरीदने के बाद हर इन्वेस्टर, हर घर खरीदार के दिमाग में ये बात आती है। लेकिन ये इस बाजार की कड़वी सच्चाई है कि बिल्डर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर, जब भी आपको कोई भी डील, कोई भी प्रोजेक्ट में बेचने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं कि मानो ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है, मानो अगर आप उस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, या अगर आपने इस प्रोजेक्ट में किसी भी कीमत पे डील ले ली तो उस डील को लेने के बाद आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको पता नहीं कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन जब आप वो डील ले लेते हैं उसके बाद यही बिल्डर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर कभी भी आपका सहयोग नहीं करते, यहां तक कि आपका वो फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है लेकिन इस बाजार की ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, और जब भी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वह एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये होता है क्या जिस डील को आप ले रहे हैं अगर आपको कभी भी भविष्य में फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्या वो सेल्समैन आपका साथ देगा, और अगर आपको उस प्रॉपर्टी को कभी भी रीसेल करने या उसे रेंट पर देने की जरूरत पड़ती है क्या वो आपको सहयोग करेगा। और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी सेल्समैन से वो डील ली है और इन फ्यूचर आपको कभी भी उस प्रॉपर्टी को रीसेल करने या रेंट पे देने की जरूरत पड़ती है क्या उसमें सहयोग करेगा, ये है कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट। अगर आपको ये कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट या आफ्टर सेल सर्विस मिलती है तो आप उस डील को जरूर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।